वो एक अलग चैलेंज होती है, तो एक्स्ट्रा आवर्स आपको काम करना पड़ता है. और फिल्म इंडस्ट्री लिटिल थोड़ी मुझे ऐसा लगता है हल्की सी पॉलिटिकल भी है. भाई कंटिन्यूटी कर रहा है ये. I am Asiyadi welcoming Vishal on Film. Thank you. Man. Thank you. Filhal, the thing which happened that he has come to our office fully mazedar andaaz ke saath, with beautiful eyes and beautiful sight. So yes, firstly, how are you after a lot of tigers? I am feeling very good. I am very excited also, and I am very happy that people are liking it, even though it is a small part. But still, I am grateful and I am really happy that people are loving it and enjoying it. I totally get it. फिलहाल हमारा जो पुकार है वो कॉफी की है टाइगर के साथ. कॉफी. Yes, yes, yes. Thank you, thank you, thank you. Cheers. Yes. Cheers to the tiger. Tiger 3. Yeah. We are the two tigers looking for third. Nothing Salman Khan ने देखा. हाँ, 100%. The real tiger. Real tiger. So, I know Vishal. I have seen you. Maybe you have not seen me पहले. I've seen you in a lot of parties. Wow. You were in Ashnoor's birthday party, if I'm not wrong. So I thought it is all the birthday parties. So maybe yes. So we are very old friends though. I also saw Sumit dancing. So Sumit? He is a very good dancer. Yeah. He was in a reality show also. So. But वो बड़े पार्टी वाला डांस थोड़ा अलग ही होता है ना. वो मेरे वाला होता है पागलपंती वाला थोड़ा. So how do you see the treatment जो आपको अभी तक मिला है from the industry, टीवी एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म. Obviously there are challenges, there are. अभी I recently interviewed Dheeraj Zuber, right? So we were talking about this that Dheeraj, you were always a rich man, right? हमेशा अमीरी दिखाई हुआ, but this time you're very desi in this project you're doing. So what kind of challenges you did face? After coming into film industry, yes. Because there are two Obviously, parts. Because yes. When I was in television, that time. Television. So it happened very naturally. So I never wanted to do something. के भाई मैं particularly इसी चीज के लिए अपने आप को prepare कर रहा हूँ. ऐसा कभी कोई zone ही नहीं था. I was doing everything naturally. Whatever comes in my way, I used to give my 100%, and that was only my formula to give 100% whenever I am working. So even though it is an episodic show. और मे बी इट इज़ आई मीन कंटिन्यूटी. तो टी वी पे एक ये वर्ड भी बड़ा फेमस है कि भाई कंटिन्यूटी कर रहा है, ये एक बात होती है वहाँ पे. तो वो भी मैं कर रहा हूँ, बड़े शो भी कर रहा हूँ. तो ऐसा कोई प्लान नहीं किया. चैलेंजेस फेस हर एक प्लेटफॉर्म के अलग चैलेंजेस है. आपको टेलीविजन में हर बार टाइम पे डिलीवरी करना होता है आपके एपिसोड का, तो वो एक अलग चैलेंज होती है. तो एक्स्ट्रा आवर्स आपको काम करना पड़ता है. मैंने ऐसा नहीं किया है. आई तो टेक माई कैरेक्टर एज माई कैरेक्टर, और मैं अपने प्लेटफॉर्म और मीडियम के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं करता. मैं इसको परफॉर्म करता हूँ एज माई कैरेक्टर, कि मैं इस समय पे ये किरदार कैसे बिहेव करना चाहिए अकॉर्डिंगली. जैसे आपने कहा, हर एक प्लेटफॉर्म की अलग रिक्वायरमेंट है. आप थिएटर जब आप करोगे तो आपको लिटिल लाउड होना पड़ेगा, बॉडी लैंग्वेज से, आवाज़ से. जब टीवी करते हो, छोटी स्क्रीन पे दिखते हो, आपको लिटिल थोड़ा लाउड आपको करना पड़ता है. ऑब्वियसली फिल्म के बड़े पर्दे पे दिखते हो, आपकी एक आईब्रो मूवमेंट भी कुछ अलग सीन क्रिएट कर जाती है, अलग इम्पैक्ट छोड़ जाती है. तो आपको इस तरीके से रहना पड़ता है. चैलेंजेस मुझे ऐसा लगता है टेलीविजन में इतने चैलेंजेस नहीं आए, फिल्म्स में मुझे थोड़े ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं. हाँ, क्योंकि गेम पूरा बदल गया जब हमने सीखा था तब. ये जहाँ पे जितनी बड़ी चीजें मिलनी होती हैं करियर वाइज एंड डेस्टिनी वाइज, ऑब्वियसली फिल्म का फल बड़ा है. मुझे लगता है कि हाँ, और फिल्म इंडस्ट्री लिटिल थोड़ी मुझे ऐसा लगता है हल्की सी पॉलिटिकल भी है. मुझे ऐसा लगा है बिकॉज टीवी में देखता था हमेशा ज्यादा से ज्यादा क्या होती थी कास्टिंग, के चैनल कास्ट कर रहा है बस. वहाँ पे बाकी कोई गेम नहीं होती थी. यहाँ पे अपने एक्टर को कास्ट करवाना या अपने फेवरेट पर्सन को कास्ट करवाना, ये भी एक चीज़ है. मुझे उससे डर नहीं लगता और मुझे इसकी कोई भी कंप्लेंट नहीं है. ऑनेस्टली मुझे इससे कोई कंप्लेंट नहीं है. बट ये चीज़ में हाँ, मुझे इस चीज़ की इनसिक्योरिटी भी हुई नहीं है.
मैं अपने क्राफ्ट पे बिलीव करता हूँ, अपने काम पे बिलीव करता हूँ, अपने नेचर और प्रोफेशनलिज्म पे बिलीव करता हूँ, और उसके जरिए मुझे अब तक काम मिला है, तो यही मेरी स्ट्रेंथ है। मैं इसी को यूज करता हूँ, इस चीज का डर नहीं लगता कि कोई मेरा काम खा जाएगा। They compare you with other actors, obviously we will not name them, but we all know that. So how do you see the comparison being made? Obviously, I am Adi or Vishal, we can't be compared with someone we don't know firstly. Maybe they are super good in their life, maybe they're doing wonderful, maybe we want to do what they are doing, but still, my identity is my identity, you can't replace with... Correct. How do you see the comparison being made? Have you faced this? Comparison to nahi, but see, what I personally feel is it is their money, it is their project. They want what they want. Correct. It is their decision. तो आप इस चीज को हमेशा कंप्लेन करके, मुझे आई पर्सनली फील कि आप एक लूजर वाली इमेज लोगों में प्रेजेंट कर रहे हो। एक लूजर वाली इमेज लगती है कि यार हमको काश करना था, इसके जगह पर लोगों को ले लिया। ये सारी बातों से कुछ होता नहीं है, इनफैक्ट आपकी इमेज बहुत ही गंदी लगती है। इट मींस कि यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ, आप में पोटेंशियल कम है। रेदर यू कैन जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ एंड या मेक योर सेल्फ अ प्रोडक्ट, तो आप उस प्रोडक्ट को बेचो, ना कि ये बात करते रहो। हाँ, ना कि ये बात करते रहो। I say that whenever I'm being interviewed for whatever job profile, I say to my bosses and the people who are hiring me that I'm a product now and I'll be telling you what are the benefits. If you have, you'll get. Correct. Same might have happened with you. Correct. That you're selling yourself as product, which is totally fine in this world. So previously it wasn't like that, definitely. Now these days I have started becoming a product and brand these days. So when I was working in television that time, I used to do anything. Like जो भी काम आया फट से कर लो। I never used to think that I am also a business. My face is also a business. Going ahead, I'm giving you a chance, right? Oh my God, no, that's a film wala chance. I'm giving you a chance of you can kill anyone, you can marry anyone, you can hook up with anyone. So please name anyone from the industry. Anyone? Yeah, your choice. Arre, but why will I kill anyone, yaar? Your options. You give me options, then I'll answer, na? No, you give me I'll give options, then I'll mind. You are playing so safe, yeah. This is not done. You give me options, then. Give me options. Which option you want? From TV or films? Films. Yeah. I'll go with the senior people now. So, Alia, Katrina, and Kareena. Kill, marry, hook up. Oh, obviously, you are a bacha. Okay. Oh my God. Oh. मैरी कैटरीना कैफ, हुकअप आलिया भट्ट, नो हुकअप आई चेंज इट मैन, hook up Katrina Kaif, marry Alia Bhatt, and kill Kareena Kapoor. Hi. See, you're making it a big thing now. He played, guys. He knew that if he'll marry Katrina Kaif, then Tiger 4 might not happen to him. Salman Khan won't allow it. How was Salman doing? I saw the picture he posted on Instagram. I loved it. So yeah, you must have been a Salman fan. Salman sir, right? Yeah, definitely. I just love watching him on screen also and off screen also. He has that aura. He's a megastar. And you like watching him coming on set. Yeah. People are saying, SK sir walking, SK sir left vanity. So wahan pe ek buzz create ho jata hai, sab log khade ho jate hain. And you like, I mean, seeing that wo ek star chal ke aa raha hai. You feel like that. And also on screen also, I like him a lot. I really, I was very intimidating. I mean, when he just came on set, I felt so nervous. I was already so nervous because I had one scene with Katrina Kaif before that. And then Salman sir came. मैं वही सेट पे ऐसा होता था
के मर्दा ने शूट किया था, पूरी फिल्म खत्म हो गई, नो फंबल, कोई डायलॉग नहीं भूला, और यहाँ पे सलमान सर को देख के भाई डायलॉग नहीं निकल रहे मुझसे, कुछ बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। फाइनली वहाँ पे एक स्क्रिप्ट रख दी इन्होंने कि तू देख के बोल दे, तू देख के बोल दे, सबको समझ में आ गया कि ये थोड़ा तो डर हो गया भाई साहब, मैंने स्क्रिप्ट देख के नहीं बोल पा रहा हूँ मैं डायलॉग, और सर को समझ में आ गया। तो फिर उसके बाद जो सीन्स हुए कि सर ने बोला व्हाट इज योर नेम, और मैं वो छोटे बच्चे को सिखाया होता है ना कि पूरा बोलने का, बेटा आप ऐसे आधा नहीं, माय नेम इज विशाल जेठवा, पूरा बोल, ऐसा नहीं बोल सकता विशाल, माय नेम इज विशाल जेठवा। अच्छा वे डू यू स्टे, आई स्टे इन कांदिवली। सर कैन आई आस्क यू समथिंग, आस्क आस्क। सर आई वर्कड विथ यू एज अ बैकग्राउंड डांसर इन 2009 when you came to promote your film London Dreams, तो मैं सलाम वेंक, अरे मैं London Dreams के प्रमोशन के लिए आए थे सर, तो मैं एज अ बैकग्राउंड डांसर काम करता, तो मैंने सर को बोला, सर ने रिएक्ट किया गुड गुड, कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड। मजा आ गया मुझे, ऐसा लगा हाश वॉल ब्रेक हो गई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे उससे ज्यादा कुछ पता नहीं है, और मैं जानना चाहता नहीं हूँ, मतलब क्यों जान जलाओ, खुद की जान जलाओ यार, ये कितनी गलत बात है। Proudly, I accepted proudly. We all are that third class aashik for our work, for our things which we want in our life. Also, any acting tip you got from Salman Khan? He told you something which was like a moment for you. No, यार इतना ज़्यादा इंटरेक्शन भी हमारा हुआ नहीं कि हम एक्टिंग के बारे में कुछ बात कर सके. और any special thing? Nothing, just keep working hard was his thing. Only special. No, I couldn't talk to her only. I didn't have that courage to, I mean, go in front of her and say even that. उनके सामने जाके डांस करूँ मैं. So he please my love, I mean so tongue mila, ye bola baat baat thodi si halki si, matlab not aise nahi ki humne conversation ki, but still thodi si baat hai, main tape na lage ha, baaju mein Katrina Kaif, himmat hi nahi hai bhai, main ye baat jaake bolta congratulations man, itni himmat nahi, pata nahi wahan pe kya ho jata hai mujhe yaar, hota hai ye call Vicky sir, विकी मुझे ऐसा लगता है मैं उनको भाई बोलूंगा ऐसे, बट डजंट मीन कि मैं कैटरीना को भाभी बोलूंगा, वो स्क्रीन पे पैसे मिले थे तो मैंने बोला था। And yeah, I started with good and then I did small role. It was Salman Khan, you could not. That is, so I started with big role. I'm not saying you started with small role. So we have the recording. So obviously you started with big roles. And you did small role. You did small role for Salman. Now I mentioned that he did it for Salman and Katrina only. But what are you expecting from the life? What else you want? Apart from acting, you are saying, or in this career, you did acting. मुझे कोई romantic अच्छा संजय लीला भंसाली सर as a lead hero. Even though it is villain's role, like him, so I'm 100% on that. बहुत रोमांटिक कॉलेज बॉय कैरेक्टर करने की इच्छा है, थोड़ा हार्डकोर बताऊं तो काफ़ी लोगों ने किया है, बट मुझे शिवाजी महाराज का रोल करने की इच्छा है, एक इंटेंस भी बता देता हूँ थोड़ा सा, मुझे किन्नर का रोल करने की बहुत इच्छा है, हाँ, और बट उनके रियल लाइफ जर्नी पे, नॉट हमेशा उनको कैसे दिखाया गया आपको पता है, अलग मस्ती में या फन वे में दिखाया गया है, बहुत मजाक उड़ाने फिल्म हो तो ज्यादा बेटर, इट वॉज अ वेब शो ना,
दो घंटे की फिल्म में पूरा इम्पैक्ट हम छोड़ दे और उनकी Why he's not part of this project? I was really like that. Like, after meeting you, even I was like, no, he totally fits the criteria. शायद वो डायरेक्टर जब मुझे मिलेंगे उनको भी लगेगा अरे यार इनको मैं पहले मिली होती तो कास्ट कर लिया कोई बात नहीं next time next time maybe after watching this interview yeah a lot of actors should do that how's your love life you're dating someone so who is she so I can't name her I mean give me first letter wow रहने देते इस पे बात नहीं करते नहीं 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 मैं सोच रहा हूँ लव लाइफ के बारे में इट्स नॉट शी इज नॉट एक्ट्रेस राइट नहीं शी इज एक्ट्रेस और इंडस्ट्री में है अभी शुरू किया है और हम 3 साल से है साथ में बट मैं इसके बारे में बाधा अभिषेक हाँ तो वो थोड़ी ऐसे बता देगा I don't think that. नहीं तो फिर नेक्स्ट इंटरव्यू में आपके साथ करूंगा मैं सारी बातें बता दूंगा यू नेवर नो नहीं मैं लव लाइफ के बारे में बात कर पाता ओपनली बट आई जस्ट फील के नहीं पर मुझे लगता है कि उनको या उनकी फैमिली को अगर ये चीज बाहर नहीं आने देनी है तो फिर मैं क्यों सामने से जा गया हाँ सबको पता है ओपन इतना ओपन की नाम नहीं ले पा रहे नाम आई ये अलग चीज है ना यार नाम आई गेट इट बट टेल मी वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग विद हर फील प्राउड अच्छा फीलिंग लाइक शी इज हाईली अंडरस्टैंडिंग शी नोज मी सो वेल अभी यहाँ पे पेपर वापस मैं ढूंढाऊँ या क्या बताऊँ मैं है क्या पेपर बताता हूँ वापस आपको है पेपर है मैं आपको बता नहीं लिख के नहीं एक मेरा एक गेम है जिससे मैं आपको बता दूंगा कि हमारा कैसा बॉन्ड है है क्या एक पेपर दो ना सच में अरे आप लोग भी बीच में ऐसे हंस सकते हो हमको लगेगा कि कोई सुन रहा है आप ऐसे ऐसी ऑडियंस मत बनाओ यार कोई बात नहीं आ गया तो लोगों को लगेगा ऑडियंस बैठी है यहाँ पे वाह देखो ठीक है चलो We'll start. It's rolling only, na? It's rolling, na, Rishi ji. So, हम दोनों का relationship में ऐसा है अगर आप इस पेपर को ऐसे हाड़ की दरार लेकर आओ हाँ ये ऐसा है ना तब इसका प्रॉपर फिट यही हो सकता है ना तो इसका दूसरा कोई लाइफ में कोई प्रॉपर फिट नहीं हो सकता तो इट इज दिस इतना फिट है कि वो मुझे इतना अच्छे से जानती है हम लोग दोनों एक दूसरे को इतना मैच कर लेते हैं तो दिस इज द थिंग बस ये इसका इतना ही काम you also name na then you tell me about your relationship what happened kya unki bhi family ko ye nahi chahiye hoga to is the same answer family is not involved abhi also we are okay it is already done now Why? I'm all in trouble, no? Going ahead, obviously, what dream you have, na, abhi, as I call this manifesting couch, as people call me Sastakaran Johar. So, 3 things you can manifest on this couch. Also, shadi with the girl you want. You can name one of my dreams. Manifest and tell. मेंटल पीस पूरी लाइफ के लिए हमेशा वहाँ पे मतलब बहुत थोड़ा मिल जाए तो मुझे भी उधार दे देना सब लोग इसी के लिए भाग रहे बाप रे बाप मैं हमेशा उतना कैपेबल रहूँ कि मैं अपनी फैमिली को अच्छे से रख सकूँ ये एक है एंड मेरी तरफ से वाह so happy today यार I'm so happy my God this award और तीसरा ये कि मेरे मैं एक
एक्टर और एक स्टार की इमेज दोनों को अच्छे से बैलेंस कर पाऊं, एक्टर और स्टार दोनों की इमेज प्रॉपर बैलेंस कर पाऊं। मुझे सिर्फ स्टार में नहीं रहना और मुझे सिर्फ एक्टर में, मतलब ये नहीं चाहिए कि पीछे से गाली दे रहे भाई कुछ नहीं है और एक्टिंग वैक्टिंग कुछ नहीं है, और ये भी नहीं है कि सब जानते हैं, मतलब सब जानते हैं तारीफ करते हैं, बट इज नॉट दैट बिग। सो या आपका अवार्ड यहाँ पे रख रहा हूँ मैं। I'm feeling how could I have done this? I'm wondering. So unpredictable, I'm to myself. Okay, you must be Facebook trolling as well. That's very basic, and it's daily basis का काम, right? लोगों में से हूँ जिसको कोई ट्रोल नहीं करता, मुझे कभी किसी ने ट्रोल नहीं किया, मुझे कभी मेरे As we are discussing a lot about things, so one, you must be facing rejections, obviously that's part of life. You must be facing replacements and you're getting, oh, one of my friend is doing the same, but I was I can see the smile telling all the time. So how do you work on that? How do you move on? So I told you, नहीं, आई डिडंट टेल यू ना, मुझे जो ज़्यादा इस तरीके की बातें करते हैं कि उसको काम मिल गया, इसको काम मिल गया, मुझे नहीं मिला, मुझे उनसे ना बहुत ही लूज़र वाली फीलिंग आती है। मतलब आई फील के आप में पोटेंशियल नहीं है, क्या आपको ऐसा लगता है? और ये उन लोगों ने बात की है जो ऑलरेडी फिर भी इस चीज़ में अपने आप में बिलीव करो, रोल अपने आपको अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे, अच्छे से सेल करोगे तो बिकोगे, 100% बिकोगे, इसमें आपकी कोई दो राय नहीं है। मेहनत करते हो ये सब बातों में, थर्ड यूजर वाली इमेज ही क्रिएट कर रहे हो, दिस इज व्हाट आई फील। ऐसा हुआ है, बुरा तो लगता है, देखो ये एक पर्सनल चीज है, ये तो हो गया कि हम अपने आप को कैसे समझाते हैं और कैसे खुद को शांत करते हैं, और एक वाइस वे है, एक बहुत ही अच्छा वे है अपने इन सारी आसपास होने वाली चीज़ों को फेस करने का। बट जब ये चीज़ें होती है आपको थोड़ा दुख तो होता ही है, बट अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये आपके लाइफ में जो आपके लिए लिखा है वही आपको मिलने वाला है, देन यू फील ओके। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, ये मैच्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। Yes. ये मैच्योरिटी अगर नहीं है तो आप फिर रास्ता भटकते हो, फिर आपको नहीं पता चलता, क्योंकि बहुत शैलो थॉट वाले लोग भी है ना, हमेशा बहुत शैलो सोचते हैं, उनके में कोई डीपनेस है ही नहीं, तो वो इस तरीके की बात सोच ही नहीं सकते, उस तरीके के। हाँ यार स्टेशंस ऑफ मुंबई लोकल फ्रॉम अंधेरी टू दहिसर, अंधेरी टू दहिसर, अंधेरी फर्स्ट, अंधेरी जोगेश्वरी राम मंदिर बराबर। आप मुझसे पूछ रहे हो, मेरे को आप दूसरा कुछ बड़ा पूछते तो नहीं बोल पाता, ये तो मैं बोल दूंगा। चलो, अंधेरी जोगेश्वरी राम मंदिर गोरेगांव मलाड कांदिवली बोरीवली दहिसर नहीं मीरा रोड भायंदर, अरे मैं लोकल में ट्रैवल कर चुका हूँ, इतना सब पता होगा। ये क्वेश्चन मेरे लिए टफ नहीं था, इजी था। कभी शीशे में देख के लगता है कि नहीं, आई कम अलॉन्ग वे, हां आई विल बी रॉकिंग मोर एंड मोर। हां 100% मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस बात से कि आगे मैं अच्छे से ग्रो करूंगा बाय गॉड्स ग्रेस, और मैं अब तक की अपनी जर्नी देख के भी बहुत इंस्पायर होता हूँ। मतलब हम जहाँ रहते थे वो मतलब ऐसी जगह थी जहाँ पे रद्दी रद्दी वगैरह रखते थे, वैसे समय पे हम रह चुके हैं वहाँ से लेकर यहाँ मलाड प्रीवियसली, तो वहाँ से लेके मेरी मॉम ने सिंगल हैंडेडली हम लोगों को बड़ा किया, ये सारी जर्नी अपने एक्टिंग में ऐसे कोई नॉलेज ही नहीं, कैसे बात करना है, वहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा हूँ जहाँ पे लोग मुझे मेरे साथ काम करना चाहते हैं या फोन करके बोलते हैं कि आप ये रोल करो, तो ये तो अपने आप को देख के बहुत अच्छी चीज है। आई नो हाँ
तुम्हारा प्यार मुकम्मल हो और लोग तुम्हें सपोर्ट करें और हर वो चीज तुम कर पाओ जो चाहो. 10-12 बच्चे पैदा करो और मस्त जिंदगी गुजारो. कम ही है बहुत. आप लोगों को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि जब जर्नी शुरू की थी मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी जगह पे भी आऊँगा जब आप लोग मुझे प्यार करेंगे. मैं देखता हूँ, हाँ, मैं कहीं पे जाता हूँ तो कुछ लोग सच में आके पैर छू लेते. ये भी हुआ है मेरे साथ, मतलब पैर छू लेके आप बहुत अच्छे एक्टर हो. मुझे ऑकवर्ड भी फीलिंग होती है बट ये एक अजीब है यार, मतलब कि लोग मेरी इस एज में पैर छू रहे हैं मेरा काम देखकर. तो ऐसा प्यार मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और मैं हमेशा अपने काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरीके से लूँगा और जब भी शॉट दे रहा हूँ मैं स्क्रीन पर तब मैं हमेशा सोचूंगा कि मुझे देखने बहुत सारे लोग आए हैं और इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं बहुत अच्छे से निभाऊंगा. तो थैंक यू सो मच, आई रियली लव यू ऑल, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ माई फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू.